खबर आपको देकर रांची पुलिस ने रीगल चौक के करीब एहतजाज करने पर मुतादित पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शैलिंग की, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस समेत डॉन न्यूज की डीएसएनजी पर भी पथराव किया गया। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या तफसीलात है और क्या मनाजिर आपने देखे? इमरान हफीज से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं सूरत हाल से मुतालिक। कराची पुलिस ने रीगल चौक के करीब एहतजाज करने पर मुतादित पीटीआई के कारकुनान को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शैलिंग भी की गई है और मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस समेत डॉन न्यूज़ की डीएसएनजी वैन पर भी पथराव किया गया। आपको बता रहे हैं ये मनाजिर अब से कुछ देर कबल के हैं, जहाँ पर आपको बताएं कि एहतजाज करने के लिए पीटीआई कारकुनान वहाँ पर पहुँचे हैं, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस की जानिब से मुतादित कारकुनान को हिरासत में लिया गया और वहां पर मौजूद जो एहतजाज करने वाले कारकुनान थे उनकी जानिब से पथराव किया गया, जबकि पुलिस ने उन पर शैलिंग की ताकि उनको मुंतशिर किया जाए। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस समेत डॉन न्यूज़ की डीएसएनजी वैन पर भी पथराव किया गया। आप देख सकते हैं ये मनाजिर और डॉन न्यूज़ की डीएसएनजी वैन, जिसको कुछ नुकसान भी पहुंचा है पथराव के बाइस। आपको बता रहे हैं आपसे कुछ देर कबल के मनाजिर हैं, जब पीटीआई कारकुनान की एक बड़ी तादाद रीगल चौक पहुंची थी एहतजाज की गर्ज से, तो वहीं मौजूद पुलिस की जानिब से तमाम तर सूरत हाल को काबू पाने के लिए और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर आंसू गैस की शैलिंग की गई। ताहम एहतजाजी मुजाहिरीन मुश्तैल थे और उनकी जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया और यही नहीं बल्कि पथराव डॉन न्यूज़ की डीएसएनजी वैन पर भी किया गया, जिससे कुछ नुकसान डीएसएनजी वैन को भी पहुंचा। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, तफसीलात बताइए। इमरान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको बता रहे हैं मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शैलिंग की गई है और मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया। जी इमरान, बताइएगा आप इस हवाले से। जी इमरान, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त जो रीगल चौक है जहाँ यहाँ पर जो है मजहबी जमात के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी और वो मुकम्मल तौर पर वो इश्तियाल में थे। यहाँ पर उन्होंने जलाओ गिराव किया, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर फायरिंग भी की गई है, जिस पर जवाबी जो है वो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और शेलिंग करी और हवाई फायरिंग भी यहाँ पर की गई है। मुश्तैल जो मुजाहिरीन थे इन्होंने यहाँ पर जो है सड़कों के ऊपर आग लगा के मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको ब्लॉक कर दिया है और जब शेलिंग के बाद जो है वो मजहबी जमात के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो गलियों के अंदर दाखिल हो गई है मार्केट की। अब पुलिस जो है उनको मुंतशिर करने के लिए, उनको भगाने के लिए यहाँ पर सभी शेलिंग इस वक्त जारी है और पूरे सड़कों के ऊपर जो है वो चारों तरफ सड़कों के ऊपर शाहराएं जो है उनके ऊपर जो है वो आग लगा दी गई है। मुख्तलिफ इमारत और टायर और टेबल्स और जो जो उनकी चीज बाहर आई उन्होंने सड़क के ऊपर रखे उसको आग लगा दी है। मुतादिद जो है वो कारकुनान को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है जो मुजाहिरीन थे, इसके अलावा पुलिस को जो मुस्लिम मुजाहिरीन के जो नए मुतादिद जो पुलिस एहलकार है उनको दबोच के मुश्तैल मुजाहिरीन की जानिब से रोड ब्लॉक कर दिया गया है। अपडेट करते हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका।